Your MED book, lesson number 4, love 4, family. बेटा इसका half part मैंने last class में करवाया था, अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ये एक story है शरवण कुमार की. In Ayodhya, there lived a boy named शरवण कुमार. अयोध्या में एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था? शरवण कुमार. His parents were old and blind. उसके parents old and blind थे, means बूढ़े और अंधे थे. They loved their son very much. अपने son से, अपने बेटे से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. They worked hard to bring him up. Time passed and शरवण कुमार become a young man. उन्होंने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला, उसके लिए बहुत मेहनत की. जब फिर कुछ टाइम बाद वो शरवण कुमार बच्चा था जो, वो यंग हो गया, मीन्स बड़ा हो गया. वन डे हिज पेरेंट्स डिज़ायर टू गो टू पिलग्रिमेज. एक दिन उसके पेरेंट्स को तीर्थ जाने की इच्छा हुई, मीन्स तीर्थ स्थान होते हैं ना, तो उसके पेरेंट्स को वहाँ जाना था. शरवण कुमार डिसाइडेड टू टेक दैम टू पिलग्रिमेज. शरवण कुमार ने उसे उन्हें तीर्थ कराने का फैसला किया. बट ही हैड नो मनी, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे. वो कैसे करवाता, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे और उसके माँ बाप बहुत बूढ़े थे और अंधे भी थे. ही डिसाइडेड टू मेक अ कैरिज टू कैरी देम. तो उसने फिर उन्हें तीर्थ पर ले जाने के लिए क्या बनाने का डिसाइड किया? कैरिज. ही टाइड टू बास्केट इन द एंड्स ऑफ अ बैम्बू स्टिक्स. उसने दो बास्केट्स एक बैम्बू स्टिक के अंत में सिरे पर बांध दी, जैसे ये है ना, ये एक बैम्बू स्टिक है और यहाँ पर दोनों तरफ टोकरी बंधी हुई है. ही मेड हिज पेरेंट्स सिट इन दोज बास्केट्स. उसने अपने पेरेंट्स को उन बास्केट्स में बिठाया, उन्हें क्या कहते हैं, कावर. एंड कैरिड देम फ्रॉम वन होली प्लेस टू अनदर. और उन्हें तीर्थ कराने लगा, मीन्स एक होली प्लेस से दूसरे होली प्लेस तक ले जाने लगा और वहाँ पर उन्हें दर्शन कराने लगा. इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. यह बहुत मुश्किल था. बट हिज लव फॉर हिज द पेरेंट्स गेव करेज टू हिम. लेकिन वो अपने मम्मी पापा से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो काम उसे मुश्किल नहीं लगा. हिज पेरेंट्स वर ग्रेटफुल टू गॉड टू सॉरी फॉर गिविंग देम सच एन ओबीडिएंट सन. उसके पेरेंट्स अपने बेटे की सेवा भाव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उन्हें उस भगवान ने उन्हें इतना अच्छा बेटा दिया. ऑन द वे हिज पेरेंट्स गॉट थर्स्टी. रास्ते में क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यास लगी. शरवण कुमार वेंट टू द रिवर टू फैच वाटर. शरवण कुमार एक नदी पर गया पानी लाने के लिए. वाइल ही वॉज टेकिंग वाटर ए किंग शॉट ऑन एरो थिंकिंग दैट इट वॉज अ डियर. वैन ही रीच देयर ही फाउंड शरवण कुमार इन ग्रेट पेन. जब वो नदी से पानी भर रहा था तो पानी भरते हैं जैसे नदी में से तो आवाज़ आती है ना, जैसे वो आवाज़ आई तो वहाँ पर नदी के पास एक राजा था जिसकी वो नदी थी. तो उसने सोचा कि पानी में कोई डियर है, ठीक है, तो उसने उस डियर को मारने के लिए तीर चलाया. लेकिन वहाँ पर कोई डियर तो था नहीं, कौन था, शरवण कुमार. तो वो तीर शरवण कुमार को लग गया. जब तीर चलाने के बाद वो राजा वहाँ पर आया तो उसने क्या देखा कि वो तीर गलती से शरवण कुमार को लग गया है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. शरवण कुमार सैड टू द किंग. शरवण कुमार ने राजा से कहा, आई एम नॉट सैड फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई पेरेंट्स हु आर वेरी थर्स्टी एंड आर वेटिंग फॉर मी टू गेट वाटर. शरवण कुमार ने राजा से बोला कि मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यासे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि मैं कब उन्हें पानी लाकर पिलाऊंगा. प्लीज़ गिव दिस वाटर टू देम सेइंग सो शरवण कुमार डाइड. प्लीज़ ये पानी उन्हें ले जाकर पिला देना. और इतना कहकर शरवण कुमार मर गया. द शरवण कुमार सेक्रीफाइज्ड हिज लाइफ टू फुलफिल द डिज़ायर ऑफ हिज पेरेंट्स. तो इस तरह से शरवण कुमार ने अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया अपने पेरेंट्स की सेवा करते हुए. तो हमें फैमिली की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए. हमारी फैमिली हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एक दूसरे को केयर करते हैं, तो हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी फैमिली को हर्ट हो, दुख हो, ठीक है. ये पोएम है फैमिली से रिलेटेड ही. इफ फैमिली लाइक नो वन कैन सी इफ फैमिली एवरी वन वॉन्ट्स टू बी फैमिली लव कम्स फ्रॉम अबव.
Family love is softer than a love. Family means a lot. Life will never rot. Family means a lot. You will sometimes get caught. Thank you.